पूरे देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। चारों तरफ चुनावों की सरगर्मी देखने के लिए मिल रही है। हर जगह नेता अपनी रैली का आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कोई रोड शो करके जनता को भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बीती शाम गुरुवार के दिन यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी सीधे बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संसदीय सीट बनारस से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। शाम को उन्होंने रोड शो किया है, जिस रोड शो में लगभग 5 से 6 लाख लोगों के जुटने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें, मोदी के नारे भी काफी ज्यादा लगते हुए नजर आए हैं। और आपको ये भी सबसे खास बात बता दें कि पीएम मोदी ने रोड शो करने के बाद दशमवेव घाट पर गंगा आरती भी की है, मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी ने मां गंगा को काफी ज्यादा अपना समय समर्पित किया है। पहले भी कई बार पीएम मोदी मां गंगा की आरती कर चुके हैं और गंगा सफाई अभियान पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीएम मोदी झूमते हुए गंगा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनके योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह भी उसमें शामिल हैं। कई बड़े नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने शिरकत भी की है। और पीएम मोदी ने काफ़ी श्रद्धा भाव के साथ, सच्चे मन के साथ मां गंगा की आरती करके उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। और चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए, अपनी जीत के लिए मां गंगा के समक्ष जाकर काफ़ी समय बिताया है और मां गंगा से आशीर्वाद अपनी जीत के लिए मांगते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और किस कदर यहां पर मनमुग्ध पीएम मोदी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी किस प्रकार से भक्तिमय रूप से मां गंगा का बहुत ज़्यादा दीदार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।